गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 10, डेसिमल। अंडर दैट चैप्टर वी विल सी द टॉपिक डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। सो लास्ट टाइम वी हैव सीन डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर, बट टुडे वी विल सी decimal by decimal, okay, division of decimal by decimal. Let us see some of the example. So here is the example for you: 3.24 by 0.6. So we will divide 3.24 by 0.6. So here what we will do, we will see the divisor, that is 0.6. We will try to make this divisor into a whole number, okay? So अब इसको मुझे whole number में convert करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं numerator denominator को multiply करूँगा 10 से। क्यों? क्योंकि यहाँ जो decimal place है 1 है, सो वन डेसिमल प्लेस के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर टू डेसिमल प्लेसेस होगा तो 100 से, और अगर 3 होगा तो 1000 से। तो इस तरह क्या होगा, ये पूरा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी विल मल्टीप्लाई 10। नाउ वी विल गेट द आंसर। आपको पता ही, प्रीवियस टॉपिक में बताया था, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100, 1000, तो डेसिमल नंबर कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, आपको याद है? सो इट विल मूव टू द राइट हैंड साइड, ठीक है? सो 32.4 डिवाइडेड बाय 6। नाउ वी विल डिवाइड एंड वी विल गेट द आंसर। सो द आंसर इज 5.4, ओके। आप देख सकते हैं 6 से मैंने डिवाइड किया 32.4 को, तो आप देख सकते हैं 6 के टेबल में 5 टाइम में 30 आता है, नीचे आया रिमाइंडर 2, फिर यहाँ डेसिमल पॉइंट जो, इसको मैंने यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट किया, ओके। देन आया सेकंड डाउन द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 4, 24 हो गया, तो 6 4 24, यहाँ रिमाइंडर 0 मिला एंड आंसर इज 5.4। रिमेंबर दैट डेसिमल पॉइंट, ओके। सो द आंसर इज 5.4। वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल। सो हियर इज द एग्जाम्पल फॉर यू, 0.28 बाय 0.38। सो वी विल डिवाइड दिस टू डेसिमल नंबर्स, ओके। सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिनोमिनेटर into a whole number. So for converting it into whole number, we will multiply both numerator and denominator by 100. Why? Because the denominator is having two place, decimal places, okay? क्योंकि हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, इसको होल नंबर कन्वर्ट करना है, पर न्यूमिनेटर को नहीं देखेंगे, ठीक है? तो हमें जब ये होल नंबर मिले, तो हम आसानी से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे। सो हियर वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। 100 से जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ 20 है, तो ये डेसिमल पॉइंट 2 डिग्री के आगे जाएगा, दैट इज 22.8 एंड ये बन जाएगा हमारा 38, ओके। सो आफ्टर डिवाइडिंग इट वी विल गेट द आंसर। सो द आंसर इज 0.6। You can see I have solved this number here, 38 से मैंने इसको डिवाइड किया हूँ, आप देख सकते हो 22 जो है 38 टर्म में है, सो आई हैव पुट 0 हियर, देन आई टुक टर्म दिस नंबर 8, ओके, और डेसिमल पॉइंट यहाँ लगा दिया। 228 जो है 6 के टेबल में आएगा, 38 सिक्सा, ओके, 228, सो आई हैव रिटन 6 हियर एंड आई सबट्रैक्टेड 228 एंड गॉट रिमाइंडर 0। सो द आंसर इज 0.6. So I hope you all have understood today's topic.
If you have any doubt, you can contact me. Thank you for watching the video. Have a nice day.